हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। शोरबे वाले अंडे, मतलब सबके साथ तो नहीं बट कुछ कुछ के साथ ऐसा होता है कि परफेक्ट नहीं बनते हैं। क्या होता है, या तो शोरबा मीठा मीठा लगता है या फिर अजीब सा टेस्ट होता है। तो परफेक्ट बनाने के लिए क्या करना चाहिए, मतलब सब तो जानते ही हैं बट जो नहीं जानते उनके लिए वो आप बताएंगे क्या करना है। पहले तो अंडे फ्राई कर लो। यहाँ से 2 ही अंडे हम बना रहे हैं, तो उसके लिए एक छोटी प्याज ली है, मतलब मीडियम से भी छोटी, बहुत छोटी वाली नहीं होती वो वाली प्याज ली है, और उसका एकदम फाइन पेस्ट बना लिया। 4-5 लहसुन की कलियां भी इसमें डालनी थी, तो प्याज बहुत छोटी और लहसुन दोनों का फाइन पेस्ट बना लिया। थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और हल्दी पाउडर, नमक अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट ऐड कर लें, और हल्दी धनिया पाउडर कम ही डालें, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है। बहुत धनिया पाउडर तो 1 पिंच के करीब, और हल्दी पाउडर भी नहीं समझ लें, थोड़ा ज़्यादा कलर के लिए भी अच्छा दिखे तो, बहुत ज़्यादा भी नहीं। तो करना क्या है, पहले ऑयल गर्म कर लें, अंडे फ्राई कर लें। ऑयल जब गर्म हो उसमें ज़ीरा डालें, और ये जो प्याज वाला पेस्ट और मसाले हैं वो इसमें डालकर अच्छे से मसाले को भून लें। तो सही तरीका ये होता है, याद रहे कि प्याज कम डालनी होती है और शोरबा ज़्यादा करना होता है। तो क्या करना है, मसाले को भूनते टाइम ही इसमें अंडे भी डाल दें। तो अंडे डालकर इसको मसाले के साथ भून लें। अब क्या करना है, एक चीज़ और याद रखने, इसको अभी अच्छे से भून लें मसाले को एकदम बढ़िया तरीके से, और बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब इसमें पानी डालना है जितना आपको शोरबा करना है उस हिसाब से पानी डालकर। और एक चीज़ और याद रखनी है इसमें, वो ये होती है कि पानी डालने के बाद इसमें बहुत ज़्यादा उबाल नहीं लगाने हैं और बहुत देर तक नहीं पकाना है, ज़्यादा टाइम नहीं देना है पानी डालने के बाद। तो बस करना ये है, पहले अंडे डालकर मसाला अच्छे से भून लें, और जब मसाला अपने आप से अलग कर दे तेल को तो बस पानी ऐड कर दें। तो यहाँ जितना आपको शोरबा करना है उतना पानी ऐड कर दो उस हिसाब से, और बाद में इसमें सिर्फ 2-3 उबाल लगा के और लो फ्लेम पर 1-1.5 मिनट के लिए छोड़ दें। बाद में इसे गार्निश कर दें फ्रेश कटे हुए हरा धनिया से। सच में इतनी अच्छी खुशबू आती है जब अंडे बनते हैं ना, बहुत ही बढ़िया, एकदम लाजवाब खुशबू होती है उस टाइम, ऐसा लगता है। लेकिन पहले मुझसे ये होता था, हमेशा मेरे अंडे ख़राब हो जाते थे। वजह ये कि मैं प्याज ज़्यादा डाल देती थी और पकाती बहुत थी पानी डालने के बाद। उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दिएगा। चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिएगा, और साथ में प्रेस कर दीजिए बेल आइकन लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।